पिछले वीडियो में हम लोग इस ये जो सारे क्वेश्चंस थे जो तीन क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने छोड़ दिया था तो इस वीडियो में हम लोगों से कवर करेंगे एंड बेसिकली हम लोग आगे पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के लिमिटेशंस को ठीक है तो उन लिमिटेशन के बारे बारे में पढ़ेंगे कि क्या लिमिटेशन है तो ये जो क्वेश्चन था हमारा एक्चुअली uh, बात यह है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है ठीक है एरर क्या है कि यहाँ पे इक्वल्स टू लिखा हुआ है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिखना चाहिए था तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स इस तरह का रिलेशन है ठीक है एंड यहाँ पे हमें फाइंड द वैल्यूज ऑफ P, Q एंड R नहीं यहाँ पे हमें K का वैल्यू फाइंड करना है ये जो K यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉन्स्टेंट इस कॉन्स्टेंट का डायमेंशन क्या होगा ये फाइंड करना है ठीक है इस तरह का है तो एक बार आप वीडियो पॉज करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो चाहो तो, तो मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं ठीक है तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहां पे हमें Q का जो रिलेशन गिवन है वो Q का रिलेशन है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X स्क्वायर Y अपॉन Z क्यूब तो यहां से पी क्यू आर की तो हमें वैल्यू डायरेक्टली मिल रही है क्योंकि अगर Q जो है एक्स रेस टू पी वाई रेस टू क्यू एन जेड रेस टू आर है तो बाय कंपैरिजन हम लोग बोल सकते हैं कि जो पी होगा वो टू होगा क्यू जो होगा वो वन होगा और जो आर होगा वो माइनस थ्री होगा ठीक है नेक्स्ट अब इक्वेशन के दोनों साइड जो भी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है जो भी इक्वेशन का राइट राइट हैंड साइड है इनका डायमेंशन सेम होना चाहिए ठीक है तो Q की जो डायमेंशन है वही सेम डायमेंशन होनी चाहिए इधर K की डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय इन की डायमेंशन ठीक है तो क्यू की डायमेंशन हमें गिवन है दिस वन ये के डायमेंशन हमें फाइंड करनी है एक्स की डायमेंशन गिवन है दिस वन एल टी माइनस टू इसका स्क्वायर चाहिए हमें देन वाई की डायमेंशन ये है तो एम जीरो है और टी भी टी का भी डायमेंशन जीरो है सो हम लोग इन दोनों को हटा दे रहे हैं सिर्फ एल ले रहे हैं ठीक है एल एंड है, सो एम एल माइनस वन टी माइनस टू इसका पावर माइनस टू तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस फोर देन ये तो एल ही है जाएगा एम माइनस थ्री एल का पावर हो जाएगा माइनस थ्री टाइम्स माइनस वन दिस इज थ्री एंड टी का पावर हो जाएगा सिक्स ठीक है नाउ इन सबको कंबाइन कर लेंगे हम लोग सो के का जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाय दिस तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन डिवाइडेड बाई इन सबको कंबाइन कर लेते हैं so L का पावर वन एल का पावर थ्री एल का पावर टू कितना जो वैल्यू है वो बस एक ही यहाँ पे माइनस थ्री तो एम माइनस थ्री हो जाएगा देन वी हैव टी तो टी यहाँ माइनस फोर है यहाँ सिक्स है तो टी का पावर हो जाएगा टू ठीक है तो अभी हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं तो m माइनस थ्री और ऊपर वन है तो m का तो पावर फोर हो जाएगा l की जो पावर है वो हो जाएगी टू माइनस सिक्स दट इज माइनस फोर एंड t की पावर हो जाएगी माइनस थ्री तो ये जो डायमेंशन निकला वो k का डायमेंशन निकला सो डायमेंशन ऑफ k ठीक है नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं एक गैस बबल है जो कि एक्सप्लोजन के बाद क्या होता है वो एक्चुअली एक्सप्लोड कर जाता है अंडर वाटर है ना पीरियड टी। अ गैस बबल फ्रॉम एन एक्सप्लोजन। अच्छा एक एक्सप्लोजन होता है उस एक्सप्लोजन से कुछ गैस बबल्स निकलते हैं एंड वो जो गैस बबल है वो गैस बबल ऑसिलेट कर रहा है कहाँ पे वाटर के अंदर ऑसिलेट कर रहा है टी टाइम पीरियड का टाइम पीरियड है टी ऑसिलेशन का टाइम पीरियड ये डिपेंड कर रहा है स्टैटिक प्रेशर पी पर डेंसिटी ऑफ ऑफ वाटर रो एंड टोटल एनर्जी एक्सप्लोजन ई तो ये कुछ चीजों पर ऑसिलेट कर रहा है तो जो भी टाइम पीरियड होगा डिपेंड कर रहा है तो जो भी टाइम पीरियड होगा वो प्रोपोर्शनल होगा वो डिपेंड करेगा कुछ स्टैटिक प्रेशर पी के कुछ पावर पे डिपेंड कर रहा होगा इस डेंसिटी के कुछ पावर पे डिपेंड कर रहा होगा एंड जो एनर्जी एक्सप्लोजन का इसके कुछ पावर पर डिपेंड uh, कर रहा होगा तो हमें इसके लिए कोई एक्सप्रेशन फाइंड करना है किसका क्या एक्सप्रेशन होगा और के जो है वो हमारा डायमेंशनल कॉन्स्टेंट होगा ठीक है तो लेट्स फाइंड दिस इक्वेशन ठीक है तो टी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है uh, हमारे प्रेशर का पावर एक्स डेंसिटी का पावर वाई एंड एनर्जी का पावर जेड के अकॉर्डिंग तो एक्स वाई जेड कोई पावर है उसकी वैल्यूज हमें फाइंड अगर हम फाइंड कर ले पाए इनके वैल्यूज को फाइंड कर ले तो ये सारी चीजें हम जो एक्सप्रेशन है वो फाइंड कर सकते हैं ठीक है तो एक चीज हमें पता है कि अगर प्रोपोर्शनलिटी हमें हटाना है तो कोई कॉन्स्टेंट लगाना होगा के तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस तरीके का आ जाएगा ठीक है ओके अब हम ये जानते हैं कि इस इक्वेशन में जो भी डायमेंशन हमारा लेफ्ट साइड होगा वो सेम डायमेंशन राइट साइड भी होना चाहिए ठीक है अब क्योंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है तो मान के चल रहे हैं कि एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ठीक है तो अभी लिमिटेशन में हम लोग पढ़ेंगे अगर ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी नहीं होगा ना तो हम यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लगा सकते ठीक है क्योंकि हमें नहीं पता इसका डायमेंशन क्या है ठीक है तो हम ये तभी लगाते हैं जब हम, जब हम ये जो कांस्टेंट है वो डायमेंशन लेस होगा ठीक है तब यहां जूम करके चल रहे हैं कि डायमेंशन लेस क्वानिटी है ठीक है तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं तो ये टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है क्योंकि ये टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड का डायमेंशन होगा टी ठीक है देन पी टी क्या है प्रेशर तो प्रेशर का डायमेंशन हम लोग कैसे निकालेंगे प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया तो फोर्स एम एल टी माइनस टू एरिया इज एल स्क्स वन टी माइनस टू प्रेशर तो प्रेशर की जगह पे हम लोग ये लिख लेंगे minus 1, t minus 2, इसका होल पावर एक्स है ठीक है रो क्या है डेंसिटी डेंसिटी क्या होता है डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है तो मास के लिए एम वॉल्यूम के लिए एल क्यूब सो डेंसिटी का हो जाएगा एम एल माइनस थ्री यहां पर हम लोग डेंसिटी का भी लिख लेते हैं एम एल माइनस थ्री और इसका पावर है वाई एनर्जी का हमें पता है क्या एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इसका पावर है जेड ठीक है सॉल्व करते हैं इधर जो है वो है एम का पावर जीरो एल का पावर भी इधर जीरो है टी के पावर वन है एंड दिस साइड एम जो है Uh, M की पावर यहां पे हो गई X, यहां पे हो गई Y, यहां पे हो गई Z, तो हम बोल सकते हैं X प्लस वाई प्लस जेड ठीक है L की पावर कितनी है यहां हो गई माइनस एक्स यहां हो गई माइनस थ्री वाई यहां हो गई टू जेड तो बोल सकते हैं कि L की पावर है माइनस एक्स माइनस थ्री वाई माइनस टू जेड ओके नौ एल हो गया टी का पावर क्या है तो इधर टी का पावर है माइनस टू एक्स यहां तो टी नहीं है इधर टी इज माइनस टू जेड तो माइनस टू जेड ना पावर कंपेरिजन से हमें पता चलेगा कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसकी पावर सेम होनी चाहिए ये जीरो होना चाहिए एल की पावर जो है वो माइनस एक्स माइनस थ्री वाई माइनस टू जेड इक्वल्स टू होना चाहिए जीरो की पावर है माइनस टू एक्स माइनस टू जेड ये होना चाहिए कितना वन ठीक है तो यहां से हमें मिल जाएगा कि एक्स प्लस जेड जो है वो माइनस वन बाई टू होना चाहिए तो ये एक एक्स प्लस जेड पे हमें एक एक्सप्रेशन मिला ठीक है नेक्स्ट अभी हम ये सारी चीजें ना डिलीट कर देते हैं ठीक है थीके? एक्स प्लस जेड वन माइनस वन बाई टू है अगर इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दें तो हमें वाई का वैल्यू मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पे इस इक्वेशन में एक्स प्लस जेड डाल देंगे तो मतलब माइनस वन बाई टू डाल दिए देन वाई इज इक्वल्स टू जीरो तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि जो वाई है वो वन बाई टू होगा ठीक है एक तो वाई का वैल्यू हमें निकल गया अब y का वैल्यू निकल गया अब इस y का वैल्यू को हम लोग यहां पे डाल देंगे ठीक है तो x और z में एक एक्सप्रेशन मिलेगा ठीक है तो डाल के देखते हैं सो माइनस एक्स माइनस थ्री वन बाई टू माइनस टू जेड इक्वल्स टू जीरो ठीक है तो यहां से आया हमारे पास क्या टू uh, जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू इन दोनों को इधर लेके आ गए टू जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू अच्छा X Z हमें पता था ना कि one, 1 है तो यहाँ से एक जेड अगर हम लोग निकाल लें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना जेड प्लस जेड प्लस एक्स इज टू माइनस थ्री बाई टू हम्म अब इसके जगह पे ये जो पूरा एक्सप्रेशन है जेड प्लस एक्स एक मिनट तो दिस एक्सप्रेशन जेड प्लस एक्स और ये यहाँ पे ये जो एक्स प्लस जेड है तो इसके जगह पे हम माइनस वन बाई टू लिख सकते हैं ना तो फिर यहाँ जेड का वैल्यू मिल जाएगा ठीक है तो इसी को हम लोग ऊपर लिख रहे हैं यहाँ पे जेड माइनस वन बाई टू इज इक्वल्स टू माइनस थ्री बाई टू तो यहां से हमें जेड की वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी माइनस थ्री बाई टू प्लस वन बाई टू तो देट इज माइनस टू बाई टू जेड की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन तो जेड की वैल्यू मिल गई माइनस वन वाई की वैल्यू मिल गई इतनी तो एक्स की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी जेड की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे so, so, वैल्यू हो जाएगी वन माइनस वन बाई टू तो एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू सो एक्स की वैल्यू भी मिल गई तो so, अब हमें देखना है कंपेयर करना है कि कौन से इक्वेशन में ये चीजें हैं तो x होना चाहिए मतलब प्रेशर के ऊपर पावर हाफ होना चाहिए तो प्रेशर के पावर ऊपर हाफ इनमें से किसके पास है यहाँ पे नहीं एक मिनट y y इज हाफ एंड z इज माइनस वन से माइनस वन यहां कुछ गड़बड़ हुआ है ठीक है चेक कर लेते हैं एक बार सो so, जो एरर एक्चुअली है वो एरर एर पे है माइनस टू जेड यहाँ पे, पे जो मैंने एल में किया था कैलकुलेट तो ये टू इंटू जेड टू जेड होगा मैंने यहाँ पे माइनस टू जेड लिख दिया था ठीक है तो ये एक एरर था अब इस एरर के अकॉर्डिंग हमें पूरे इक्वेशन को चेंज करना होगा आप एक बार इसे खुद खींचेगा ठीक है मैं यहाँ पे कर लेता हूं ठीक है so, सो प्लस टू जेड होगा यहाँ पे so यहाँ पे प्लस होगा तो so, इसके अकॉर्डिंग ये भी प्लस होना चाहिए ये वाला देन अगर ये प्लस होगा तो यहाँ माइनस टू जेड हो जाएगा देन इसके अकॉर्डिंग ये माइनस जेड प्लस एक्स होगा तो यहाँ से पूरा इक्वेशन ये लोचा हो गया है इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं ठीक है हालांकि ये सही है y के वैल्यू वन बाई टू तो वाई के वैल्यू वन बाई टू में दिख भी रही है कौन कौन से इक्वेशन में है अगर आप देखो तो आपको इस इक्वेशन में मिलेगी y के वैल्यू वन बाई टू और इसमें मिलेगी इसमें मिलेगी तीन तीनों में है a में c में और बी में ये ऑप्शन तो हट गया ठीक है ना इसको आप निग्लेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट अभी आ, ये एक्सप्रेशन आया है ठीक है ना तो यहां से हम लोग आ, क्या कर सकते हैं ये जो एक्स प्लस जेड की वैल्यू है ना ये यहाँ पे डाले तो वाई मिल गया राइट तो अब हम लोग वाई की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं वाई की वैल्यू डाले ठीक है ये आया तो यहाँ से हमें एक्स और जेड में एक एक्सप्रेशन मिला एक्स और जेड में और एक्स और जेड में एक ये एक्सप्रेशन था कि एक्स प्लस जेड जो होता है वो माइनस वन बाई टू होता है ठीक है तो इन दोनों से हम एक निकाल सकते हैं अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक्स हट जाएगा एंड जेड हम जेड का वैल्यू निकाल लेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ये मान लेते हैं इक्वेशन टू है और ये मान लेते हैं इक्वेशन वन है तो हम वो क्या कर रहे हैं टू में से वन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ठीक है तो एक्स माइनस टू जेड माइनस एक्स माइनस जेड ये हो जाएगा माइनस थ्री बाई टू माइनस माइनस वन बाई टू ये हो जाएगा एक्स और ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे ठीक है ना तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा माइनस थ्री जेड और इधर बचेगा वन बाई टू माइनस डी बाई टू क्योंकि तो पॉजिटिव हो जाएगा ठीक है सो माइनस थ्री जेड हो जाएगा माइनस टू बाई टू के दैट इज माइनस वन तो हम बोल सकते हैं कि जो जेड की वैल्यू है वो वन बाई थ्री हो जाएगी ठीक है तो यहाँ से जेड की वैल्यू मिल गई जेड की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी या फिर आप यहाँ पर पुट कर सकते हो जेड की वैल्यू सो एक्स प्लस वन बाय थ्री इज इक्वल्स टू माइनस वन बाय टू सो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन बाय टू माइनस वन बाय थ्री सो दैट इज एल्सियम सिक्स माइनस थ्री माइनस टू सो एक्स की वैल्यू जो आएगी वो so, आ जाएगी माइनस फाइव बाई सिक्स यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई तो x इज माइनस फाइव बाई कि हमें इन दो इक्वेशन में दिख रहा है तो ये तो ये हट जाएगा ठीक है y की वैल्यू वन बाई टू इन दोनों में है z डिसाइडिंग फैक्टर होगा z की वैल्यू वन बाई थ्री यहां वन बाई टू है तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ठीक है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट वन ये जेई लेवल पे है ठीक है ना तो इसमें क्या है वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकेंड में है एक पार्टिकल का जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में आपको गिवन है सो so ये आपको इक्वेशन गिवन है वेलोसिटी का डायमेंशन फाइंड करना है हमें ए का बी का और सी का सो so इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो भी डायमेंशन वी का होगा अब देखो ये इक्वेशन देखो डायमेंशनल एनालिसिस क्या बोलता है कि सारे टर्म्स की जो डायमेंशन होगी वो सेम होगी ठीक है ना तो जो भी इसकी डायमेंशन होगी वो सेम इसकी भी डायमेंशन होगी वही डायमेंशन इसकी भी होगी ठीक है तो हम बोल सकते हैं कि जो V की डायमेंशन है वो सेम डायमेंशन है ए टी की ठीक है सो V के डायमेंशन V वेलोसिटी है तो हम बोल सकते हैं एल टी माइनस वन और हमें A के डायमेंशन पता करनी है A के डायमेंशन पता करनी है एंड T के डायमेंशन होगी T, तो एक का डायमेंशन क्या हो जाएगा ए का डायमेंशन हो जाएगा एल टी माइनस वन बाई टी ठीक है एल टी माइनस टू तो बेसिकली so एक ठीक है? नेक्स्ट जो भी डायमेंशन वी की होगी वही डायमेंशन होगी v अपॉन टी प्लस सी की ठीक है ओके okay. अब हम लोग देखते हैं कि v के डायमेंशन तो एल टी माइनस वन है ठीक है अब B के डायमेंशन मुझे नहीं पता C के डायमेंशन भी मुझे नहीं पता लेकिन एक चीज है कि जो ये जो C है ना ये किससे कनेक्टेड है T से T से एडेड है तो मतलब कि जो डायमेंशन T का होगा वही सेम डायमेंशन C का भी होगा ठीक है ना क्योंकि हम सेम क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं ना तो अगर T में अगर C एडेड है इट मीन की सी वही है जो टी है ठीक है मतलब एक टाइम होगा सी तो सी के डायमेंशन तो टी हो गई सी के डायमेंशन टी हो जाएगी तो यहां पे हम बी की डायमेंशन अपॉन टी प्लस सी की डायमेंशन तो बी की डायमेंशन यहां से निकल जाएगी क्या एल टी माइनस वन बाय टी की डायमेंशन प्लस टी की डायमेंशन क्या होगी टी की डायमेंशन प्लस टी की डायमेंशन ये तो दोनों जो होंगे ये दोनों क्या एक टाइम ही को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना तो इनका डायमेंशन क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा तो ये हो जाएगा एल टी माइनस टू ठीक है तो अब यहाँ पे आप कंपैरिजन करके देख लो ये आपका एक डायमेंशन है दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए दिस इज द डायमेंशन ऑफ बी एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ सी तब देख लो एक डायमेंशन एल टी माइनस टू आना चाहिए इस इक्वेशन में आपको दिख रहा है b की डायमेंशन एल टी माइनस टू आना चाहिए b के डायमेंशन और C के डायमेंशन टी आने चाहिए। एक बार चेक कर लो b के डायमेंशन हो जाएगी अच्छा अच्छा सॉरी 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 यहाँ पे t डिवीजन में नहीं जाएगा t तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा ना हाँ मेरी मेरे मिस्टेक तो यहाँ पे t जाएगा मल्टीप्लिकेशन में तो ये हो जाएगा l एल क्योंकि माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा तो बी की डायमेंशन हो जाएगी ये एल ठीक है दिस इज डायमेंशन ऑफ बी तो बी की डायमेंशन एल और सी की डायमेंशन टी तो दिस इज आवर राइट आंसर ठीक है देखिए ये एक्चुअली क्या बता रहा है यहाँ पे कि द कंसेप्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस द कंसेप्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस Was introduced by Joseph Fourier in the year 1922, 1822. So 1822 नाइनटीन ट्वेंटी Joseph Fourier एटीन ट्वेंटी टू में तो जो जोसेफ concept थे introduce किया था ठीक है एक छोटा सा fact था जो मैंने mention कर दिया आप लोगों के लिए ठीक है इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है अब पॉज कर लो ठीक है एंड uh, देखो कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा डायमेंशनल एनालिसिसंटिटी इज अटर स्कैलर क्वान्टिटी क्या डायमेंशनल एनालिसिस हमें ये बताती है कि कोई भी जो फिजिकल क्वान्टिटी होगी वो स्कैलर होगी या वैक्टर होगी वेल well, नहीं बता सकती क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस स्कैलर वैक्टर पे वर्क नहीं करता वो तो उसके इंडिपेंडेंट है।, है ना उससे इंडिपेंडेंट है ये डायरेक्शन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देती है ये बस हमें बताती है कि कौन कौन से क्वांटिटीज इन्वॉल्व है डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती सो दिस इज डायमेंशन हेल्प टू नो नो दिस इज फॉल्स ठीक है ना ये हमें नहीं बता सकती दिस इज रॉन्ग ठीक है एयर बबल फॉर्म बाइ एक्सप्लोजन इन साइड वॉटर परफॉर्म ऑसिलेशन विथ टाइम पीरियड टी विच डिपेंड्स ऑन प्रेशर डेंसिटी एनर्जी स्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन रिलेशन हम लोगों ने स्टैब्लिश कर चुका था राइट right? एक्चुअली वही वाला क्वेश्चन है ठीक है तो और भी क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं आपके लिए ठीक है ना तो ये एक रिलेशन है वेलोसिटी का ठीक है तो किसी पार्टिकल का एक वेलोसिटी है जो कि टाइम टी पर डिपेंड कर रहा है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो हमें A का बी का सी का और डी का यूनिट पता करना है कि इसका यूनिट क्या होगा और ये किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट पता चल जाएगा तो हम ये भी बता सकते हैं कि किस फिजिकल क्वांटिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है तो एक बार आप खुद से फाइंड करके देखिए वीडियो को पॉज कीजिए एंड ट्राई टू फाइंड इट हो गया क्या चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको फाइंड करते हैं तो अगर ये एक वेलोसिटी है, तो इट कि ये भी एक वेलोसिटी होना चाहिए, ये भी एक वेलोसिटी होना चाहिए ठीक है? ये भी एक वेलोसिटी होना चाहिए। बट इस केस में आप देखो यहाँ पे कि हम डायरेक्टली इसका डायमेंशन ए और बी का नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि दोनों मल्टीप्लीकेशन में तो या तो हम किसी एक का यहाँ फाइंड कर पाएंगे ना लेकिन इन दोनों में से किसी का हमें नहीं पता तो यहाँ पे इस इस रिलेशन से तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला हाँ इन दोनों के रिलेशन से मिलेगा किसका डायमेंशन मिलेगा बी का ठीक है तो जो भी वेलोसिटी होगा इसका डायमेंशन और बी टी का डायमेंशन सेम होना चाहिए ठीक है तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि जो बी का डायमेंशन है वो वेलोसिटी के डायमेंशन अपॉन टी के डायमेंशन के इक्वल होगा तो जो बी का डायमेंशन होगा वो होगा एल टी माइनस वन बाई टी इज ट इज एल टी माइनस टू ओके ये तो बी का डायमेंशन हो गया तो यहां से हम लिख लेते हैं तो इसको कि जो बी की डायमेंशन है वेट जो बी की डायमेंशन है वो है एल टी माइनस टू ठीक है नेक्स्ट अब यहां पे देखिए d और t दोनों एडेड हैं मतलब जो डायमेंशन d की होगी वही सेम डायमेंशन t की भी होगी डायमेंशन so, so, क्या हो जाएगी d की डायमेंशन हो जाएगी t ठीक है तो ये एक्सप्रेशन हमें यहां से मिल जाएगा ये क्या बताएगा कि d की जो डायमेंशन होगी वो होगी t ठीक है ये हो गया नेक्स्ट यहां अगर आप देखो हमें नीचे पूरा इसका डायमेंशन मिल गया है क्योंकि डी भी एक टाइम है टी भी एक टाइम है तो नीचे जो डायमेंशन होगा वो टी होगा ठीक है तो हमें सी के डायमेंशन भी यहां से मिल जाएगी क्योंकि पूरे क्वांटिटी का डायमेंशन वेलोसिटी के इक्वल होना चाहिए सो तो वी की जो डायमेंशन होगी वो इक्वल होगी किसके डायमेंशन के सी बाई डी प्लस टी के ठीक है मुझे पता है इसका डायमेंशन टी है सो तो वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन सी का डायमेंशन हमें पता करना है एंड ये नीचे जो डायमेंशन है वो है टी ठीक है तो हम यहां से बोल सकते हैं कि जो सी का डायमेंशन होगा वो क्या होगा एल टी माइनस वन इंटू टी यहां से हो जाएगा एल टी जीरो ठीक है सो यहां हम बोल सकते हैं कि द डायमेंशन द डायमेंशन ऑफ सी सी की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी एल होगी ठीक है नेक्स्ट अगर यहां पे आप देखो इस केस में अब क्योंकि आपको बी की डायमेंशन पता है तो आप ए की डायमेंशन निकाल सकते हो सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है एल टी माइनस वन राइट हैंड साइड में है हमारे पास अंडर रूट रूट में है राइट तो पहले हम इस एक्सप्रेशन को कुछ वैसे लिख लेते हैं कि थोड़ा इजी हो जाए सो so, हम बोल सकते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए होगा ठीक है दोनों साइड स्क्वायर कर दिए तो जो भी डायमेंशन है उसका भी स्क्वायर हम लोग लेंगे सो एल टी माइनस वन मतलब इसकी जो डायमेंशन होगी वो इसकी डायमेंशन के इक्वल होगी अच्छा अगर आपको हजम नहीं हो रहा ये चीज तो आप ऐसा लिख लो कोई दिक्कत नहीं है मुझे वी इक्वल्स टू रूट ए बी ये जो था ना तो इसका जो डायमेंशन होगा वही सेम डायमेंशन इसका होगा अभी ठीक है क्या तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं मतलब वेलोसिटी के डायमेंशन का स्क्वायर तो ये रूट ए बी के डायमेंशन के स्क्वायर के इक्वल होगा ठीक है अब v का स्क्वायर हो जाएगा एल टी माइनस वन का स्क्वायर और इधर हो जाएगा ए बी के डायमेंशन के तो क्योंकि रूट का स्क्वायर तो हट जाएगा फिर वो रूट है ना तो एक डायमेंशन मुझे पता है राइट सो तो एल टी एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगा इधर एंड दिस साइड ए का डायमेंशन नहीं पता मुझे A का नहीं पता B का पता so B का का है 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 तो तो ठीक से A की जो होगी वो क्या हो जाएगी एल स्क्स टू अपॉन एल टी माइनस टू ए की डायमेंशन यहां से हमारे पास निकल के आ जाएगी एल वन ठीक है ना क्योंकि नीचे जो वन है वो ऊपर सब्ट हो जाएगा तो यहाँ पर तो, तो सिर्फ वन ही बचेगा तो एल लिखते हैं हम एंड देन टी का पावर हो जाएगा माइनस टू नीचे माइनस टू तो जीरो हो जाएगा तो टी जीरो हो गया सो so ए की डायमेंशन हो गई एल ठीक है तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि डायमेंशन ऑफ ए इज एल नौ हमें बताना है कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको इसका डायमेंशन देख के क्या लग रहा है एल मीटर हो जाएगा ये सेकंड है तो एम एस माइनस टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, ये? ये है तो मतलब वो कहीं ना कहीं एसेलरेशन होगा डी क्या लग रहा है डी का यूनिट क्या है सेकेंड सेकेंड किसकी यूनिट है टाइम की तो so डी क्या है डी इज द टाइम सी और ए इनकी यूनिट क्या है मीटर मीटर ठीक है ना तो मीटर कि, किसकी यूनिट है लेंथ की तो हम बोल सकते हैं कि सी और ए क्या है एक तरह के लेंथ है हो सकता है डिस्प्लेसमेंट हो हो सकता है डिस्टेंस हो कुछ भी हो सकते हैं बट एक तरह के लेंथ है ठीक है तो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में भी हम लोग बता दिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अब हम लोग पढ़ते हैं लिमिटेशन के बारे में कि डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन क्या है अब देखिए डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस तो हम लोग बहुत देख यानी बहुत सारे यूज हैं ठीक तो है ना बहुत जगह पे ये हमें हेल्प कर लेता है बट कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे ये हमें सही तरीके से हेल्प uh, नहीं कर पाता सो तो हम बोल सकते हैं कि दीज आर द लिमिटेशन ठीक है तो जो पहले लिमिटेशन है इसकी वो क्या है कि अगर डायमेंशन गिवन है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के तो वो यूनिक हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं है ना क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम हो सकते हैं हमने एग्जाम्पल में देखा था है ना कि वर्क एनर्जी और टॉर्क इन सब का डायमेंशन सेम आता था टॉर्क का डायमेंशन होता था एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एनर्जी का भी डायमेंशन वही है सेम वर्क का भी डायमेंशन वही है सेम तो इन सब का डायमेंशन सेम सेम है ठीक है ना बट फिजिकल क्वान्टिटीज अलग है ठीक है ना ये टॉर्क है ये एनर्जी है ये वर्क है सब डिफरेंट डिफरेंट है बट स्टिल दूसरी लिमिटेशन क्या है कि जो न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स होते हैं न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स हैविंग नो डायमेंशन ऐसे न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट जिनका कोई डायमेंशन नहीं होता जैसे कि वन बाई टू इसका कोई डायमेंशन नहीं वन कोई डायमेंशन नहीं है टू पाई कोई डायमेंशन नहीं है इनको हम डिड्यूस नहीं कर सकते ठीक है ना अब जैसे कि हम लोग टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाले थे तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाले थे तो इस तरीके का हमें फॉर्मूला मिला था अब ये के की वैल्यू क्या है नहीं पता ना ये वन भी हो सकता है ये टू भी हो सकता है ये पाई भी हो सकता है ये टू पाई भी हो सकता है आप यहाँ के की वैल्यू कुछ भी रख दो ये डायमेंशनल एनालिसिस आपको वही रिजल्ट शो करेगा मतलब बोलेगा सही है के का वैल्यू जो भी लो वो सब सही है डायमेंशनल आप के का वैल्यू जो लो हर वैल्यू सही है बट ये तो सही नहीं हो सकता ना तो डायमेंशनल एनालिसिस का ये लिमिटेशन है कि आपको न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट डिड्यूस करके नहीं देता कि न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट क्या होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए ये आपको नहीं बता के देगा ठीक है नेक्स्ट लिमिटेशन देखते हैं द मैथड ऑफ डायमेंशन जो एनालिसिस का मैथड है कैन नॉट बी टू डिराइव अदर देन प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन के अलावा अगर कोई और रिलेशन है ठीक है ना तो उनको हम रिड्यूस नहीं कर सकते जैसे कि इस तरह का रिलेशन अब जरा इसमें देखो इसमें आपको एडिशन मिल रहा है बीच में अब आप इस तरह का रिलेशन ना रिड्यूस ही नहीं कर सकते ठीक है या तो आप यहां तक पहुंचोगे एस इज इक्वल्स टू यू टी या तो आपको ये मिलेगा एस इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर हाफ भी नहीं मिलेगा यहाँ कुछ कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा तो आप ये दो तो अलग अलग एक्सप्रेशन पे तो पहुंचोगे आपको ये दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे ठीक है अब ट्राई करके देख लेना इसको आपको या तो ये एस इज इक्वल्स टू के टी स्क्र मिलेगा या तो यू टी मिलेगा ये दोनों जुड़े हुए नहीं मिल पाएंगे तो डायमेंशनल एनालिसिस की ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि आपको इस तरह के इक्वेशंस रिड्यूस करके ये नहीं दे सकते, ठीक है तो लिमिटेशन है इस तरह का भी नहीं दे सकता a sin omega t क्यों नहीं दे सकता क्योंकि sin के अंदर अगर कोई चीज डिपेंड कर रहा है तो ये जो वैल्यू आपको निकाल के देगा ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू निकाल के देगा कांस्टेंट वैल्यू मतलब कोई एक नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के देगा कांस्टेंट यानी नहीं लिखते हैं हम लोग लिखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू तो कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपको निकाल के देगा अब न्यूमेरिकल वैल्यू तो डायमेंशन होती है तो डायमेंशन एनालिसिस ये आपको बता ही नहीं पाएगा कि इस तरीके से भी कोई चीज डिपेंड कर सकती है ये नहीं बता सकता फेल कर जाएगा यहाँ पे ठीक है अब जब आपको ये पता ही नहीं है कि किस तरीके से डिपेंड कर रही है तब तो लिखोगे कैसे फाइंड करोगे ठीक है तो ये दोनों लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस के कि आपको इस तरह का और इस तरह का इक्वेशन डिड्यूस करके नहीं पाएगी डायमेंशनल एनालिसिस ठीक है द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी अप्लाइड ये वहां अप्लाई नहीं कर सकते हैं कहां अप्लाई नहीं कर सकते हैं वैसे इक्वेशंस में जिन इक्वेशन में प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट जो होते हैं उनके डायमेंशन होते हैं जैसे कि F is equals to G, m1 m2 upon R square. ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे और इसमें हम लोग G का डायमेंशन भी कैलकुलेट किए थे ठीक है ना अब जरा सोचो इसका डायमेंशन है है ना अगर इसका डायमेंशन नहीं होता तो ये इक्वेशन बिल्कुल आपको सही देगा लेकिन अगर आपको इसका डायमेंशन पता ही नहीं है इसका डायमेंशन एग्जिस्ट कर रहा है और आपको पता ही नहीं है तो आप डायमेंशन लगाओगे कैसे आपको इसका डायमेंशन पता है इसका पता है इसका पता है इसका पता है बट इसका नहीं पता तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए ये तो पता कर लोगे ना g to f r2 m1 m2 करके अब g का डायमेंशन पता कर लोगे लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपको इसका वैल्यू नहीं पता इसका डायमेंशन अगर आपको नहीं पता तो आप डायमेंशनल एनालिसिस को कैसे अप्लाई करोगे यहाँ? दोनों साइड इक्वेट कैसे करोगे समझ पा रहे हो ना ये बात तो हम वैसे इक्वेशंस में डायमेंशनल नहीं लगा सकते जहां पे जो वो उनका कुछ डायमेंशन होता है ठीक है ना अगर डायमेंशन नहीं हुआ तो डायमेंशनल एनालिसिस आप लगा पाओगे जैसे कि अगर मान लो किस टू के अपॉन टी कुछ इस तरीके से डिपेंड कर रहा है मान लेते हैं तो आपको इसका डायमेंशन पता है इसका डायमेंशन पता है आपको मालूम है कि एक डायमेंशन लेस तो आप सीधा इसको हटा दोगे दिस दिस डायमेंशन डायमेंशन इज इक्वल्स टू आप कर दोगे एनालिसिस पे आप लगा सकते हो लेकिन अगर इसका कोई डायमेंशन हुआ तो आप यहां नहीं लगा पाओगे क्योंकि आपको इसका डायमेंशन पता ही नहीं समझ तो आ रहा है ना ये बात तो इस वजह से हम इन सारे इक्वेशंस में नहीं लगा सकते डायमेंशन एनालिसिस जहां पे ऑलरेडी क्या है Uh, जो प्रोपोर्सनैलिटी कांस्टेंट है उनके डायमेंशन होते हैं हाँ फाइंड जरूर कर सकते हैं प्रोपोर्सनैलिटी कांस्टेंट अगर पहले से मुझे इक्वेशन पता है ठीक है ना कि कुछ इस तरह का इक्वेशन है अगर मुझे पता है तो हम जरूर फाइंड कर कर सकते हैं कि उस डायमेंशनल उस प्रोपोर्सनैलिटी कॉन्स्टेंट का क्या डायमेंशन होगा ठीक है फाइंड किया जा सकता है लेकिन पहले से हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए अगर इक्वेशन पता नहीं है तो हम उसके डायमेंशन पता नहीं करते ठीक है क्या अब ये एक क्वेश्चन है कॉग्निजेंस बूस्टर इंक्विजिशन जिसको मैं सीबीआई भी बोलता हूँ ठीक है ना तो ये बहुत अच्छा सवाल है ठीक है आप अगर इसको बनाओगे तो आपकी थोड़ी सी जो कॉग्निजेंस है वो उसको थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा ठीक है आपको इस चैप्टर को समझने में और थोड़ी आसानी हो जाएगी ठीक है आई रियली रिकमेंड कि आप इस क्वेश्चन को प्लीज खुद से बनाइए एंड एक बार जरूर कीजिए एक बार बस जरूर ट्राई कीजिए ठीक है, बनाने की कोशिश कीजिए आप वहां तक जा पा रहे हो पहुंच पा रहे हो नहीं पहुंच पा रहे हो एक बार ट्राई कीजिए इसको पॉज कीजिए वीडियो को एंड जरूर जरूर इसको ट्राई कीजिए एक बार ठीक है तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं अभी आई होप कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा नाउर क्या हमसे बोला जा रहा है ये चीज कि देखिए एक सिलेंड्रिकल टैंक है ठीक है कोई भी एक सिलेंड्रिकल टैंक इमेजिन कीजिए इस सिलेंड्रिकल टैंक में क्या हो रहा है कि कुछ पैरामीटर हमें गिवन, एक फ्लूड भरा जा रहा है ठीक है ना हाइट एच तक तो एक एच हाइट तक कोई फ्लूड भरा गया है मान लेते हैं कि यहां तक इस फ्लूड को डाल दिया गया यहां तक ये यह फ्लूड भर गया है पूरा तो ये जो हाइट है दैट हाइट इज एच ठीक है स्टूडेंट को ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो टैंक का रेडियस है वो है आर रेडियस इज आर डेंसिटी जो है फ्लूड का वो है रो तो इसकी जो भी डेंसिटी होगी डेंसिटी वो रो है ठीक है एसरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो गिवन है आपको जी ठीक है तो इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कौन प्रेशर डिपेंड करेगा कि जो बॉटम पे जो प्रेशर लगा रहा होगा ये फ्लुइड ये प्रेशर कितना लगा रहा होगा ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि वाटर का लेवल कितना है एसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है जो उसकी रेडियस है जो इसका सरफेस एरिया वो कितना है डेंसिटी कितना है ठीक है ना तो हो सकता है किसी चीज पर डिपेंड करे या ना करे ये सारे फैक्टर्स गिवन है ठीक है ना अब हम लोग को देखना है कि किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है किन फैक्टर्स पर नहीं डिपेंड कर रहा है तो हमें एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है प्रेशर के लिए ठीक है Clear है क्लियर क्या अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग डिराइव करेंगे इसे डिराइव करने के बाद हमें क्वेश्चन बी में बोला जा रहा है कि मान लेते हैं अच्छा इस क्वेश्चन बी को हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे ठीक है क्या पहले हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव कर लेते हैं ओके तो चलिए एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं तो चलिए एक्सप्रेशन हम लोग डिड्यूस करते हैं तो मान के चलते हैं कि एक सिलेंडर है हमारे पास जो कहीं रखा हुआ है ठीक है अभी ना इस प्रॉब्लम में आपको एक और लिमिटेशन पता चली होगी अगर आप लोगों ने बनाया होगा ठीक है ना क्योंकि आप लोग हो सकता है कि आंसर डिड्यूस ना कर पाए हो ठीक है कुछ लोग कर भी लिए होंगे मे भी पता नहीं देखते हैं क्योंकि यहाँ पे एक और लिमिटेशन है आपके पास ठीक है ना मतलब एक और लिमिटेशन के बारे में पता चलेगा किसके बारे में एनालिसिस के बारे में तो वो मैंने लिमिटेशन डिस्कस नहीं किया था क्योंकि मैंने इस सी बी आई क्वेश्चन में उसे इंक्लूड कर दिया है ठीक है ना तो यहाँ पे आपको लगभग सारी तरह का मिक्सअप मिलेगा इस क्वेश्चन में ठीक है ना कि डायमेंशन एनालिसिस को कैसे अप्लाई करना है कैसे एक्सप्रेशन डिड्यूस करना है ठीक है किस तरीके से हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं और आ, आ, कुछ लिमिटेशन हैं जिन लिमिटेशन्स को हमें ध्यान में रखना होता है ठीक है उसके बाद ही हम इस डायमेंशन एनालिसिस को और आगे प्रोसीड इसके साथ प्रोसीड कर पाएंगे ठीक है तो बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है इसको थोड़ा ध्यान से समझने का को कोशिश कीजिएगा ठीक है तो एक सिलेंडर है जो किसी प्लेनेट पर है मान लेते हैं अर्थ पे है ठीक है ना तो इस पे कुछ लेवल तक जो है ना इस फ्लूड को भर दिया गया है ठीक है ये लेवल मान लेते हैं कि एच है एच हाइट तक भर दिया गया है इसका जो डेंसिटी है वो डेंसिटी मान लेते हैं रो ठीक है और ये जो बेस एरिया है ये बेस एरिया मान लेते हैं कि अगर रेडियस आर है तो बेस एरिया क्या हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू पाई आर है और, और दूसरा और क्या चीज है एसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी तो हमें प्रेशर के लिए एक एक्सप्रेशन रिड्यूस करना है और ये प्रेशर किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है ये प्रेशर डिपेंड कर रहा है इन चार फैक्टर्स पर कौन कौन से चार फैक्टर्स एसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एरिया ऑफ द बॉटम जो सिलेंडर का जो बेस है उसके एरिया पे एच हाइट जो है लिक्विड का उसपे एंड जो डेंसिटी है लिक्विड का उसपे इन चार फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है हो सकता है किसी पे करे भी किसी पे ना भी करे ठीक है ना ये एक्सप्रेशन निकलने के बाद पता चल जाएगा किस पे डिपेंड कर रहा है किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो जो भी प्रेशर होगा वो जी के कुछ पावर पर डिपेंड कर रहा होगा डेंसिटी के कुछ पावर पर डिपेंड कर रहा होगा हाइट के कुछ पावर पर डिपेंड कर रहा होगा एंड एरिया के कुछ पावर पर डिपेंड कर रहा होगा तो ये सारे उसके पावर हैं तो हम यहां पे मान के चलते हैं कि जो प्रेशर है वो इक्वल्स टू होगा सम कांस्टेंट टाइम्स जी रेस टू एक्स वाई रेस टू वाई नहीं डेंसिटी रेस टू वाई एच रेस टू जेड कैपिटल ए रेस टू एरिया रेस टू एरिया ठीक है अब इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो भी डायमेंशनल डायमेंशनल फॉर्मूला ये बात तो आपको सबको पता है ठीक है तो हम लोग लिखते हैं कि प्रेशर का होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू इधर हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि इसका कोई डायमेंशन नहीं है? ठीक है g के लिए होगा एल टी माइनस टू क्योंकि एक तरह का एक्सिलेशन है तो ये हो जाएगा इसका g के लिए इसका पावर x देन डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम इसका हो जाएगा y z h h क्या है एक तरह का लेंथ है तो l का पावर हो जाएगा z और एरिया क्या है लेंथ स्क्वायर तो इसका हो जाएगा पावर 8 हम्म कंपेयर कर लेते हैं एम एल माइनस वन टी माइनस टू किसके पावर कितना हो जाएगा y, y, है ना? L का पावर क्या हो जाएगा यहां तो एक्स हो गया एक्स यहां कितना हो जाएगा माइनस थ्री वाई यहां पे हो जाएगा प्लस जेड और यहां हो जाएगा प्लस टू ए e का पावर कितना हो जाएगा यहां हो जाएगा माइनस टू एक्स और कहीं है क्या नहीं है तो कंपैरिजन से हम लोग बोल सकते हैं कि बाय कंपैरिजन जो वाई की वैल्यू होगी ये वाई की वैल्यू हो जाएगी वन ठीक है वाई की वैल्यू निकल गई वन देन एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जेड प्लस टू ए इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस वन माइनस टू एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस टू तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक्स की वैल्यू वन आ जाएगी तो एक्स और वाई की वैल्यू आ गई यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं वन माइनस थ्री टाइम्स वन प्लस जेड प्लस टू ए इज इक्वल्स टू माइनस वन तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जेड प्लस टू ए जो होगा वो कितना हो जाएगा दिस इज माइनस टू सोट वन ठीक है ये तीन और एक्सप्रेशन पॉसिबल है पे और आप ज्यादा से ज्यादा तीन इक्वेशन निकाल सकते हो क्यों क्योंकि आप तीन डायमेंशन पे वर्क कर रहे हो राइट तीन फिजिकल क्वांटिटीज पे वर्क कर रहे हो एक मास लेंथ टाइम तो तीन फिजिकल क्वांटिटीज हैं बट आपके पास क्या तीन फिजिकल क्वांटिटीज पे आप काम कर रहे हो एंड आपके पास जो डिपेंडेंसी uh, है वो चार वेरिएबल्स पर है है ठीक डिपेंडेंसी चार वेरिएबल पे फिजिकल क्वांटिटी अवेलेबल है तीन तो आप कैसे सोल्व करोगे इक्वेशन ज्यादा से ज्यादा आपके पास तीन आ पाएंगे बट वेरिएबल चार है तो पॉसिबल ही नहीं है इसको सॉल्व करना ठीक है आपके पास दो का वैल्यू तो निकला इन दो का आप निकलेगा नहीं इसका मतलब एक लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की कि आप आ, अगर तीन फिजिकल क्वांटिटी को बेस मान के काम कर रहे हो जहां पे आपके तीन फिजिकल क्वानिटी इन्वॉल्व है ये तीनों इन्वॉल्व है तो आप चार डिपेंडेंसी नहीं ले सकते चार फैक्टर्स नहीं ले सकते जहां पर ये चार फैक्टर्स के ऊपर कोई चीज डिपेंड कर रहा है है ना प्रेशर है प्रेशर को डील कर रहे थे ना तो प्रेशर जो है वो हम लोग एम एल और टी पर एज्यूम करेंगे है ना तीन फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है प्रेशर तो आप इसे कोई चार अदर फैक्टर्स पर एज्यूम नहीं कर सकते समझ आया क्या कोई चार फैक्टर्स आप नहीं ले सकते कि इन चार फैक्टर्स पे कोई चीज डिपेंड कर रहा होगा आप यहां नहीं ले सकते ठीक है आपको तीन ही चीजें लेनी होगी तो ये एक पहला ये एक और लिमिटेशन है डायमेंशन एनालिसिस का कि अगर आप तीन फिजिकल क्वांटिटी पे वर्क कर रहे हो तो आप तीन से ज्यादा फैक्टर्स नहीं ले सकते तीन से ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं ले सकते ठीक है इसका मतलब आपको किसी एक डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना पड़ेगा तो किसी एक को आपको कॉन्स्टेंट बनाना पड़ेगा किसको कॉन्स्टेंट बनाएंगे तो मान लेते हैं कि जो भी सिलेंडर जो है हमारे पास वो सिलेंडर का रेडियस हम चेंज ना करें कॉन्स्टेंट कर दें ठीक है ना कि वो रेडियस कभी चेंज नहीं हो रहा है बेस एरिया का भी चेंज नहीं हो रहा है तो अगर इसको हम कॉन्स्टेंट कर देंगे इसको अगर कॉन्स्टेंट कर देंगे तो एरिया के ऊपर से डिपेंडेंसी मेरा खत्म हो जाएगा ठीक है ना तो एरिया के ऊपर से मेरा डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगा मतलब ए का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा ठीक है तो ए का वैल्यू अगर जीरो तो ये पूरा क्वांटिटी जीरो तो हम यहां से बोल सकते हैं कि जेड का वैल्यू वन हो गया तो अब हम बोल सकते हैं कि जो प्रेशर है वो कुछ इस तरीके से डिपेंड कर रहा है रो जी एच टाइम सम कांस्टेंट ठीक है क्या आई होप इतना दूर तक आपको समझ में आ गया होगा चलिए अगले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट सपोज द टैंक इज सपोज द टैंक इज टेकेंड टू अ प्लैनेट विथ अ स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल फील्ड एक स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल फील्ड है एक ऐसे प्लैनेट पर लेकर गए इस टैंक को जहां पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो बहुत ज्यादा है स्ट्रोंग है ठीक है तो इसको मान लेते हैं जी प्राइम है ये जी से बड़ा होगा है ना जो हम लोग पहले अर्थ में ज्यूबिटर के लिए थे तो यहाँ पे जो एसोल्यूशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो आपको दिया हुआ है डबल्ड है G जो है 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 वो two times gravitational, uh, acceleration due to gravity जो 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 पे था उसका two times, double हो गया तो predict करना है कि क्या ये जो change है ना, ये ना किस तरीके से affect करेगा प्रेशर को बॉटम में जो प्रेशर लग रहा है उस प्रेशर को किस तरीके से अफेक्ट करेगा ठीक है तो प्रेशर का जो हम लोगों ने डिराइव किया था वो कुछ इस तरीके से किया है था, था ना अब अगर देखा जाए तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी पर है ना जी के लीनियर पावर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये जी टू टाइम्स हुआ है तो प्रेशर भी टू टाइम्स बढ़ जाएगा क्या अगर लीनियरली डिपेंड कर रहा है तो अगर जी टू टाइम्स अगर बढ़ा है तो प्रेशर भी टू टाइम्स हो जाएगा अगर ऐसे होता जी स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा होता तो अगर जी टू टाइम्स बढ़ता तो प्रेशर कितने टाइम्स बढ़ जाता फोर टाइम्स बढ़ जाता लेकिन ये जी स्क्वायर पे डिपेंड नहीं कर रहा जी के लीनियर फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है जी रेस टू वन पे तो अगर जी टू टाइम्स इंक्रीज किया है तो प्रेशर टू टाइम्स इंक्रीज करेगा ठीक है तो ये तो इसका आंसर हो गया नेक्स्ट वॉट इज द रेडियस ऑफ द टैंक व डबल इफ क्या होगा अगर टैंक के रेडियस को हम लोग डबल कर दें पहले r था अब 2r कर दें तो क्या होगा अरे भाई हम लोगों ने तो रेडियस को हटा ही दिया था फैक्टर से कि हम ये कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि ये फैक्टर है ठीक है तो अब क्या करें तो अब हम लोग ये काम करते हैं कि जो हमारा पहला एक्सप्रेशन था जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया था z 2a 1 तो हम लोगों ने क्या किया था कि इसे जीरो कर दिया था क्योंकि रेडियस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा था ठीक है ना अगर हम लोग एच को जीरो कर दें, मतलब एच के ऊपर से डिपेंडेंसी हटा दे एच को कॉन्स्टेंट कर दे कि जो फ्लूड है ये फ्लूड किसी भी केस में इस हाइट से नीचे नहीं होगा इसी हाइट तक रहेगा आप एरिया इतना बड़ा कर दो मतलब इतना बड़ा सिलेंडर हो या इतना पतला सिलेंडर हो ये जो हाइट है ये हाइट कभी नहीं चेंज होगा ये हम फिक्स कर दिया हाइट कि हाइट इतना ही रहेगा ठीक है ना इतना ही हाइट रहेगा हाइट को कांस्टेंट कर दिए तो जेड का पावर जीरो मतलब जेड तो हो जाएगा जीरो तो इसका मतलब ए जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा वन बाई टू मतलब अब जो प्रेशर का रिलेशन आएगा वो कैसा आएगा प्रेशर का रिलेशन आएगा के रो जी एच के जगह पे आप क्या लिखेंगे एरिया एरिया पे डिपेंड कर रहा है हाइट को अब हम लोग हटा दिए हाइट के ऊपर से डिपेंडेंसी को हटा दिए मान लेते हैं कोई मैजिकल सिलेंडर है जिसके ऊपर जिससे ऑलरेडी पानी निकल जाता है मतलब जो फ्लूड है वो निकल जाता है ये ऐड हो जाता है अब बेस एरिया अगर इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा लेवल डाउन हो जाएगा ना लेवल डाउन हो जाएगा लेकिन हमें लेवल डाउन तो नहीं करना लेवल उतना ही रहना चाहिए ठीक है तो ये कुछ एक मैजिकल सिलेंडर है जो ऑटोमेटिकली लेवल को मेंटेन कर देता है ठीक है ऐसा मान के चल रहे हैं तो एरिया के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो हो जाएगा 1 by 2 का जी के पावर वन रो का पावर वन ठीक है तो अब अगर रेडियस डबल हो गया है रेडियस रेडियस क्या हो गया है डबल टाइम्स तो एरिया कितना हो जाएगा एरिया फोर टाइम्स हो जाएगा क्योंकि एरिया जो होता है वो पा स्क्वायर होता है तो रेडियस अगर टू टाइम्स हुआ है तो एरिया फोर टाइम्स हो जाएगा ठीक है मतलब एरिया को मैंने फोर टाइम्स इंक्रीज कर दिया हुँ. एरिया अगर फोर टाइम्स इंक्रीज हो गया तो प्रेशर कितना हो जाएगा प्रेशर कितना हो जाएगा प्रेशर इसका रूट टाइम्स इंक्रीज करेगा है ना तो फोर का रूट टू सो प्रेशर जो है वो टू टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा कुछ समझ आया कुछ समझ आया एक बार वापस से इसको देखना ठीक है ना कि जो एरिया है वो रेडियस पर कैसे डिपेंड कर रहा है स्क्वायर के फॉर्म में डिपेंड uh, कर रहा है ठीक है ना तो अगर रेडियस को टू टाइम्स किए हैं तो एरिया फोर टाइम्स हो जाएगा एरिया अगर फोर टाइम्स हो गया तो एरिया पे ये किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है प्रेशर ये प्रेशर डिपेंड कर रहा है एरिया के स्क्वायर रूट पे राइट तो एरिया के स्क्वायर रूट पे डिपेंड कर रहा है तो इट मीन्स कि अगर एरिया फोर टाइम्स है तो उसका स्क्वायर रूट दैट इज टू यानी कि टू टाइम्स हो जाएगा प्रेशर आप इसे पुट करके भी देख सकते हो ऐसे करके समझ नहीं आया ना देखते हैं तो प्रेशर पहले था ये सारी चीजें तो कॉन्स्टेंट है ना अभी सारी चीजों को नहीं चेंज किए किस किसको चेंज किए एरिया को चेंज किए तो पहले एरिया था ए। ठीक है एरिया ए था तो ये रूट अंडर ए है बेसिकली ठीक है ना पी इनिशियल पी फाइनल कितना हो गया पी फाइनल हो गया कुछ ऐसा एरिया फोर टाइम्स हो गया है ना फोर टाइम्स हो गया ना एरिया क्योंकि रेडियस को टू टाइम्स इंक्रीज कर दिए तो अब P फाइनल अगर निकाला जाए तो P फाइनल हो जाएगा कुछ ऐसा टाइम्स टू ए हो जाएगा क्या तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं K रो z a टाइम्स टू ये क्या है ये इनिशियल प्रेशर दिख रहा है क्या इनिशियल प्रेशर यहां पे पुट कर दीजिए तो जो फाइनल प्रेशर है वो इनिशियल प्रेशर का टू टाइम्स हो जाएगा बात समझ आया अभी क्या तो ये था मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन एंड मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन ये दोनों हम लोगों ने आपको प्रोवाइड कर दिया मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया ठीक है तो आई होप कि ये अच्छा लगा होगा आपको किस तरीके से एक और लिमिटेशन के बारे में हमें पता चला ठीक है सिग्निफिकेंट फिगर्स इस वीडियो में हम लोग नहीं पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के लिए बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे ठीक है ना तो अभी डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे आपके लिए कुछ के प्रिपेयर करके मैं रख दूंगा टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा तो आप वहां टेलीग्राम चैनल पर जा करके बना सकते हो इसको ठीक है ना धन्यवाद